सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन पे किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये वाला जो जोन है 17,808 से लेके 17,755 का जो जोन है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाला था। अगर मार्केट अपकमिंग डेज में 17,808 का लेवल निकालता है तो आपको अपकमिंग डेज में ये वाला टारगेट भी देखने मिल सकता है। 18,099 का जो लेवल है वो एज ए टारगेट देखने मिल सकता है। तो उसके पहले कौन से टारगेट अगर इम्पोर्टेंट लेवल से, तो ये वाला जो जोन है वो एज ए इम्पोर्टेंट लेवल वर्क करेगा 17,919 का। उसके बीच में फिर ये वाला जो जोन है वो एज ए इम्पोर्टेंट लेवल वर्क करेगा। 18,000 का लेवल जो है वो एज ए इम्पोर्टेंट लेवल वर्क कर सकता है। ओके, तो इंट्राडे के लिए ये जो टारगेट्स है वो BTST और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने मार्केट देखा होगा तो ये वाला जो जोन है 17,800 की लेवल, तो उसके नीचे ही क्लोज किया, तो ये वाला जो लेवल है वो एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। ये वाला लेवल जो है वो एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है। मार्केट ने सपोर्ट कौन से लेवल पे लिया था, कल का जो क्लोजिंग है वो वाले जोन में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। ओके, वो सपोर्ट लेने के बाद में एक अपसाइड रैली दी है मार्केट ने, तो ये वाला जो लेवल है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं। उसके पहले जो सपोर्ट आएगा वो ये वाले जोन में आएगा 17,721 के लेवल पे एक सपोर्ट आएगा जो कि ये वाले रेंज में। ओके, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये वाला एक लेवल हम लोग एज ए सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, कल के ट्रेडिंग सेशन में समझो मार्केट 17,800 से लेके 17,750 के रेंज में कहीं भी खुलता है, ये वाले जोन में कहीं भी खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट को एक वेट करने देंगे, थोड़ा 10 से 20-30 मिनट हम यहाँ पे मार्केट को बिताने देने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक वक्त बिताने के बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से अगर समझो अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, तो हमारा जो अपसाइड के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो ये वाले जोन में है। फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 17,890 के लेवल पे आएगा। सेकेंड जो टारगेट हमारा आएगा वो 17,959 के लेवल पे आएगा। और जो हमारा अपसाइड में थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो ये वाले जोन पे है 18,013 के लेवल पे। ओके, मार्केट समझो ये वाले जोन पे एक टाइम बिताता है, ये वाले जोन में कहीं पे टाइम बिताने के बाद में 10 से 15 मिनट निकालने के बाद में डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले जोन में 17,896 का हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा। जो सेकेंड टारगेट आएगा वो ये वाला है 17,649 का। और जो हमारा लास्ट टारगेट आएगा 17,600 के लेवल आएगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है निफ्टी में, तो ये वाली जो लेवल है वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों साइड में टारगेट्स अच्छे खासे मिल रही है। अगर निफ्टी ने समझो एक गैप ओपनिंग दिया, यहाँ पे एक 100-200 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, 1800 के लेवल पे कहीं पे खुला समझो निफ्टी, तो ये वाले जोन में हम लोग टोटली यहाँ पे मार्केट को एक रेंज बनाने देने वाले या प्राइस एक्शन बनाने देने वाले, यहाँ पे मार्केट को वक्त बिताने देने वाले। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे अगर जल्दबाजी में ट्रैप हो जाओगे खाली फुकट में, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ने एक रेंज बनाई नहीं, कुछ नहीं बनाया, कुछ पैटर्न नहीं बनाया और आप खाली ट्रेड लेते रहोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे रेंज बनाने देंगे, अपसाइड या डाउन साइड में जहाँ पे ब्रेक होगा वो साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे और टारगेट्स वो बेस पे हम लोग लेंगे। एक 60-70 पॉइंट के हमारे टारगेट्स होंगे निफ्टी में। अगर निफ्टी समझो ये जो जोन है यहाँ पे कहीं भी खुलता है 17,650 से लेके 600 के लेवल पे कहीं भी खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग डोजी भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर समझो ऐसे कुछ डोजी फॉर्म होता है, ये वाले जोन में कहीं पे डोजी फॉर्म होता है, तो हम लोग वो डोजी भी ट्रेड करेंगे। और डोजी का जो बेस होगा वो एज ए स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, जो उसका बेस होगा यहाँ पे वो एज ए स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। हैमर का वो बेस जो होगा वो एज ए स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ओके, कहाँ पे ये वाले जोन में कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे हमको वैसे टाइप में कैंडल मिलती हैमर पैटर्न, तो हम लोग यहाँ पे वो ट्रेड करेंगे। या फिर यहाँ पे एक मार्केट को रेंज बनाने देने वाले, ये वाले जोन में कहीं पे रेंज बनाने देंगे मार्केट को। और यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद में यहाँ पे मार्केट अप या डाउन साइड में ब्रेक होता है, तो हम लोग वो साइड में ट्रेड करेंगे। अप साइड में अगर ब्रेक होता है तो ये ऊपर वाले जो टारगेट्स है वो हम लोग टारगेट्स लेंगे
17,696 का, 17,754 का, 17,799 की ये टारगेट्स हम लोग अपसाइड मिलेंगे। डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो हमारे जो डाउन साइड में टारगेट निकल के आ रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट जो होगा ये वाले जोन पे होगा 17,542 के लेवल पे। जो सेकेंड टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले जोन पे 17,500 के लेवल पे, और जो हमारा लास्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ये वाला जोन पे 17,454 के लेवल पे। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।